अस्सलाम वालेकुम गाइज़ कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे तो गाइज़ कल की वीडियो में हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाया था तो आज हम जो है उसके डायगनल पे बात करेंगे कि भाई उसका डाइगनल हम किस तरह लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइगनल सबसे पहले हम डाइगनल निकालने का जो फार्मूला था जो मैंने आपको वॉलीबॉल कोर्ट के उसमें भी बताया था कि भाई इसका डाइगनल किस तरह लेंगे वो फार्मूला लगा देंगे सबसे पहले हमारे पास आ गया लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला आ गया डाइगनल निकालने का तो अब हम बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ लिख लेंगे जो लेंथ हमारे पास आ गई फीट में ये निकाल रहे हैं हम फोर्टी फोर फीट स्केयर इजकुल टू वेट्थ इसकी आ गई ट्वेंटी स्क्वेयर ये हम निकाल रहे हैं फीट में उसका डाइगनल के फ़ीट में उसका डाइगनल क्या आता है फिर अंडर रूट फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी तो गाइज़ ये हमारे पास आ गया जब हम फोर्टी फोर को फोर्टी फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है नाइनटीन थर्टी सिक्स प्लस फोर हंड्रेड तो अब हम नाइनटीन थर्टी सिक्स और प्लस फोर हंड्रेड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स हमारे पास या अब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो जब हमने टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स का अंडर रूट लिया तो हमारे पास फोर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री ये हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट का डाइगनल आ गया है यह हमने डायगनल निकाल लिया है बैडमिंटन कोर्ट का तो गाइज अब इसको हम लगाएंगे किस तरीके से मतलब कोर्ट के अंदर किस तरीके से यूज़ करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हम बैडमिंटन कोर्ट एक रफ सा ड्रा कर लेते हैं ट्रायंगुलर शेप में तो गाइज़ ये जो हमारे पास हम लेंथ लेंगे तो ये जो हमारे पास टोटल लेंथ होगी वहाँ से हम डाइगनल लेंगे मतलब फोर्टी फोर जो फीट का हमारे पास कोट होगा हम वहाँ से लेंगे ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है ए यहाँ से हम डाइगनल लेंगे डायरेक्ट उस वाले कोने पर यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट बी ये डाइग्नल हो गया हमारा मतलब यहाँ से अब एक पॉइंट है सी तो यहाँ से हम डाइगनल लेंगे डायरेक्ट दूसरे पॉइंट तक जो हमें डी पॉइंट देगा डाइग्नल लेने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया कि हम आर्क किस तरह लगाएंगे किस तरीके से पिछली वीडियो में तो ये हमारे पास 48.33 एट पॉइंट थ्री थ्री मीटर की हम एक लाइन लगा देंगे जो हमारे पास डाइगनल होगा लेकिन ये कोर्ट के अंदर ये लाइन नहीं लगाएंगे सिर्फ ये, ये डाइग्नल लेंगे जो हमारे पास हमें दूसरा पॉइंट देगा बी ये हमारे पास पोल आ गया ये हमारे पास नेट आ गया और अब यह हमारे पास सेंटर लाइन आ गई सेंटर लाइन पिछली वीडियो में सारा को समझा दी गई कि किस लिए होती है किस लिए नहीं होती अभी मैं बता देता हूँ सेंटर लाइन जब दो प्लेयर्स खेलते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होती है दो प्लेयर्स से मुराद जब हम डबल टीम में खेलेंगे डबल उसमें खेलेंगे मतलब दोनों साइड दो दो प्लेयर्स होंगे तो इसके लिए फिर या जब हम सर्विस करते हैं सिंगल में तो हम साइड चेंज करके मतलब इवन और आर्ट तरीके से हम सर्विस करते हैं तो जब इवन पॉइंट होंगे तो किस साइड से सर्विस करनी है या आउट पॉइंट्स होंगे तो किस साइड से ये उसके लिए सेंटर लाइन हमें ज़रूर पड़ती है तो यहाँ पे एक हमारे पास अटैक लाइन आ जाती है जो नेट से थोड़े से फासले पर होती है और पिछली वीडियो में मैंने उसकी टोटल मेजरमेंट सब कुछ बता दिया था काइंडली आप जाके वो वीडियो भी चेक कर लें और ये हमारे पास डायगनल निकालने का ईजिएस्ट तरीका आ गया है और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं